हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत के सातवें पाठ पंचशील सिद्धांता के अवतरण और सूक्ति की हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे पहला अवतरण दिया गया है इस चैप्टर का, बुद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तित्व जीवनश्य अभ्यु तथा नाय प्रयुक्ता आसन परमध्य इमे सिद्धांता राष्ट्रणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि संति राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता नधिकृत्य एवाभवत् यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो आधुनिके जगति पंचशीला सिद्धांता नवीनम राजनैतिका स्वरूपम गृहवंतः। तो ये है पहला अवतरण और अब हम देखेंगे इसका संदर्भ और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद। इसका संदर्भ यहाँ पर दिया गया है प्रस्तुत। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गद्यांश की जगह आप यहाँ पे संस्कृतांश लिखिएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे गद्यांश नहीं संस्कृतांश आएगा। तो आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृतांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। अब हम लिखेंगे अनुवाद। अनुवाद में हमें लिखना है बौद्ध युगों में यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल यह सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुता और विश्व शक्ति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों में नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। तो ये था पहला इम्पोर्टेंट अवतरण। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सूक्ति। यहाँ पे सूक्ति दी गई है किम्पि राष्ट्र मप्रेण नान कृष्यते। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है पंचशील सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कोई भी देश किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, ना ही उसको किसी अन्य प्रकार से डराएगा धमकाएगा। प्राय बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर और छोटे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लेते हैं, यानी कि उन देशों को अपना गुलाम बना लेते हैं, जिसके वजह से उस देश का सब प्रकार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि सब प्रकार का विकास रुक जाता है। छोटे और अल्प विकसित देशों को संरक्षण देने की दृष्टि से इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। तो ये थे सातवें चैप्टर के इम्पोर्टेंट सूक्ति और इम्पोर्टेंट अवतरण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।